रहे हैं किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपा। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो है उसके जो वाइस चेयरमैन है गुलाम मोहम्मद सरूरी आज मड़वा और वड़वन के दौरे पर हैं। कहीं लोगों से मुलाकात की, कहीं अलग अलग इलाकों में जाकर जो है लोगों से मुलाकात की। लोग जो है लोगों का जो जमावड़ा था वो कई हज़ार लोगों में जो है जगह जगह पर वाइस चेयरमैन जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो वाइस चेयरमैन है गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है उसे जगह जगह पर हज़ारों लोगों ने जो है वेलकम किया, वेलहाना इस्तकबाल किया। बहुत सारे लोगों के साथ जब मुलाकात हुई, लोगों के जो नुमाइंदे हैं वहाँ पर उन लोगों ने जो है वाइस चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सरूरी से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे इलाके ऐसे बहुत जो हमारा इलाका मड़वा वड़वन आता है अभी भी इस दौर में जो है वो बिजली से महरूम है। सिर्फ बिजली नहीं, बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स जो है उनके साथ डिस्कस किया गया कि अगरचि मुल्क हिंदुस्तान इस वक्त बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है मगर हमारा जो मड़वा और वड़वन जो है अभी भी वही 1947 के दौर से गुजर रहा है। गुलाम मोहम्मद सरूरी जो इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो वाइस चेयरमैन हैं उन लोगों की सभी बातें सुनी और साथ साथ में उन लोगों को यकीन दहानी भी कराई कि जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं जब भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है हुकूमत में आएगी और उस वक्त इस मड़वा वड़वन को एक बड़े पैमाने पर इसका डेवलपमेंटल काम शुरू किए जाएंगे। अगर पिछले काम किए जब गुलाम मोहम्मद सरूरी एमएलए थे, मिनिस्टर रहे, वो इंद्रवाल से एमएलए और मिनिस्टर रहे हैं, दो कनेक्शन से यहाँ हुआ करती थी किश्तवाड़ और इंद्रवाल के जब वो मिनिस्टर्स हुआ करते थे, जब वहाँ के एमएलए हुआ करते थे, आप बखूबी जानते हैं कि किस तरीके की डेवलपमेंट उन्होंने इंद्रवाल के अंदर की। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर गुलाम मोहम्मद सरूरी जो इस वक्त वाइस चेयरमैन है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो वाइस चेयरमैन है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां पर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने सड़क नहीं पहुंचाए, डिस्पेंसरीज नहीं खोले, स्कूल्स नहीं खोले, ऐसी कोई जगह नहीं। वो सब आप लोगों के सामने आया है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो गुलाम मोहम्मद सरूरी जो है मंगली, आफ्ती, मरगी, बसमिना, चौधरमन, ब्रायन विलेज, रोड़वन तहसील, ये जो सारा इलाका इस वक्त है वो जो है बिजली से गोल। इन लोगों ने गुलाम मोहम्मद सरूरी को इन बातों को लेकर जो है इन सभी बातों को सुना और कहा, इस लोगों को यकीन दहानी भी करवाई कि आप लोगों के साथ जो नाइंसाफियाँ हो रहे हैं वो आने वाले जब हम जो है पावर में आ जाएंगे, जब हमारी हुकूमत बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और इन्हें ये भी यकीन दहाने के वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है हुकूमत बनाएगी और जिन लोगों के साथ इतने सालों में जो नाइंसाफियाँ होंगी उनके साथ बराबर का इंसाफ होगा। अब डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो पार्क हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस तीन आप देख रहे हैं किश्तवाड़ के अंदर तीन कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बन गई हैं। एक तो हमारी पाडर कॉन्स्टिट्यूंसी और किश्तवाड़ और इंद्रवाल, ये तीन कॉन्स्टिट्यूंसियाँ बन गए और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने पार फैला रही, यानी लोगों को आपस में जोड़ रहे हैं और इनके साथ बात कर रहे हैं और इनके साथ साफ साफ लफ्जों में ये दावे किए जा रहे हैं कि आप डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को मजबूत बनाएं और मजबूत जब हमारे हाथ आप मजबूत करेंगे हम आप लोगों के सारे जितने भी डेवलपमेंटल काम रुके हैं वो आने वाले जब हम हुकूमत में आएंगे और हम ये सब जो है आप लोगों तक ये जितनी भी सहूलियात वो आप तक पहुँचाएंगे। अब आने वाले सालों के अंदर ये ज़रूर देखना होगा क्योंकि हर कोई पार्टी जो इस वक्त जो है दावेदारी कर रही है और ये सब आने वाले सालों के अंदर जब क्योंकि आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस भी नहीं हो रहे और जब भी यहाँ इलेक्शंस होंगे कौन सी पार्टी जो हुकूमत बनाएगी वो आने वाले कल ही पता करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।